नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू हेडलाइंस ऑफ द डे। इस वीडियो में हम फोकस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर। और आज की शुरुआत करने से पहले यही कहेंगे दोस्तों कि समस्याएं तो सभी के जीवन में आती हैं दोस्तों, लेकिन कोई बिखर जाता है और कोई निखर जाता है। तो चलिए फिर इसी के साथ आज की इंपॉर्टेंट खबरों पे नजर डालते हैं। आज की हमारी पहली हेडलाइन है, फर्स्ट की मीट ऑन G20 किक्स ऑफ, फोकस ऑन डेट, इन्फ्लेशन स्लो डाउन, इट इज अवेलेबल ऑन पेज नंबर 3। और ये रिलेटेड है पेपर 2 इंटरनेशनल ग्रुपिंग से। इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो अबाउट G20 एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड व्हाट इज इंडियाज एजेंडा एज अ G20 प्रेसिडेंट। तो फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड कंटेंट रिसेंटली हमारी वेबसाइट पे कवर किया गया है एंड लिंक अवेलेबल करा दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, राइट। बाकी कुछ पॉइंट्स आप यहां से भी देख सकते हैं, ठीक। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन इज, इन अ फर्स्ट नेवी डे सेलिब्रेटेड आउटसाइड दिल्ली, प्रेसिडेंट्स अटेंड वाइजैक इवेंट, इट इज अवेलेबल ऑन पेज नंबर 9। और ये रिलेटेड है पेपर 3 डिफेंस सेक्शन से। इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो अबाउट नेवी डे। तो फ्रेंड्स, इंडिया सेलिब्रेट्स 4th December as Navy Day every year to acknowledge the role of Indian Navy and commemorate its achievement in Operation Trident during the 1971 Indo-Pak War. Our next important headline is A Question of Politics. It is available on page number 10. Or ye related paper to Polity and Governance. In this article, we have to know procedure for appointment of election commissioner and issues regarding the appointments and Supreme Court's observations and suggestions. So friends, isko bhi hamari website pe recently cover kiya gaya hai and link available kara diya gaya hai description mein, right? उसके अलावा कुछ पॉइंट्स आप यहां से भी देख सकते हैं। अगर हम ओवरव्यू देखें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ड्रॉस इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ अंडर आर्टिकल 324, द पावर्स ऑफ सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन इज टू बी वेस्टेड इन इलेक्शन कमीशन, राइट। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन इज डेमोक्रेसी इंटरप्टेड, इट इज अवेलेबल ऑन पेज नंबर 11। और ये रिलेटेड है पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस। इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो व्हाट इज क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, व्हाट आर द कॉजेस एंड इंपैक्ट्स एंड व्हाट इज द वे फॉरवर्ड। तो फ्रेंड्स, ये सारे पॉइंट्स यहां पे बहुत शानदार तरीके से एक्सप्लेन किए गए हैं। इसके अलावा इसको हमारी वेबसाइट पे भी कवर किया गया है एंड लिंक यूनो की कहां मिलेगा। अगर हम ओवरव्यू देखें तो राइजिंग नंबर ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स विद अ क्रिमिनल बैकग्राउंड्स इन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स इज अ मैटर ऑफ डीप कंसर्न टू ऑल लॉ अबाइडिंग एंड राइट माइंडेड सिटीजंस। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन इज द न्यूट्रिशन चैलेंज, इट इज अवेलेबल ऑन पेज नंबर 11। और ये रिलेटेड है पेपर 2 इश्यूज रिलेटेड टू पॉवर्टी एंड हंगर। इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो अबाउट द वेरियस इनिशिएटिव्स फॉर न्यूट्रिशन एंड पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम, देयर प्रोग्रेस एंड हाउ चैलेंज ऑफ अंडर न्यूट्रिशन कैन बी टैकल्ड इफेक्टिवली एंड वे अहेड। तो फ्रेंड्स, ये सारे पॉइंट्स यहां पे बहुत अच्छे से कवर किए गए हैं, राइट। अगर हम ओवरव्यू देखें तो गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव्स फॉर न्यूट्रिशन हैव रिमेंड कंपार्टमेंटलाइज्ड एंड फ्रेगमेंटेड and it calls for a whole of government and whole of society approach, right? Baki other points ke liye you can go through this article, theek? Our next important headline is women constitute 1/3 of internet users in India study, it is available on page number 12. Aur ye related hai paper 1 social issues se. In this article we have to know what are the findings of India inequality report 2022 digital divide. So friends, it was conducted by NGO Oxfam India and according to it, women constitute only 1/3 of internet users in India and Indian women are 15% less likely to own a mobile phone, right? Our next important headline is in Kaziranga, Indo-French partnership bears fruit, it is available on page number 12. Or ye related to paper 3 environment section se. In this article we have to know about Kaziranga National Park and Kaziranga project. So friends, some measures at the Kaziranga National Park in Assam will form the cornerstone of an Indo-French initiative announced earlier this year, and these measures are artificial highlands where animals can escape during floods and more than 200 anti-poaching camps, alternate livelihood training for local communities, right? Our next important headline is Iran's morality police disbanded amid street protest, it is available on page number 13. और ये रिलेटेड है मिसलिनियस सेक्शन से। इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो अबाउट मोरालिटी पुलिस। तो दोस्तों, इसको यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन किया गया, आप एक बार देख लीजिएगा। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन इज होपफुल साइंस ऑन फूड इन्फ्लेशन, इट इज अवेलेबल ऑन पेज नंबर 13। और ये रिलेटेड है पेपर 3 इकोनॉमी सेक्शन से। इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो अबाउट फूड इन्फ्लेशन, इट्स कॉजेस, इंपैक्ट्स एंड वेज टू हैंडल इट। तो फ्रेंड्स, ये सारे पॉइंट्स लाइन बाय लाइन यहाँ पे बहुत शानदार तरीके से एक्सप्लेन किए गए, आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन इज डिजिटल लैंडिंग, नो क्लैरिटी अवेटिंग आरबीआई रिस्पॉन्स, से बैंक एंड फिनटेक्स, ये अवेलेबल है पेज नंबर 15 पे एंड इट इज रिलेटेड टू पेपर 3 इकोनॉमी सेक्शन। इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो अबाउट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गाइडलाइंस ऑन डिजिटल लैंडिंग कंसर्न्स एंड व्हाट लाइज अहेड। तो दोस्तों, इसको हमारी वेबसाइट पे कवर किया गया है एंड लिंक अवेलेबल करा दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। उसके अलावा कुछ पॉइंट्स आप यहां से भी देख सकते हैं। अगर हम ओवरव्यू देखें तो आरबीआई नॉर्म्स आर मेंट टू प्रोटेक्ट कस्टमर्स फ्रॉम अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस सच एज मिस सेलिंग, breach of data privacy, unfair business conduct, right? Our next and last important headline is OPEC Plus keeps steady policy amid weakening economy, Russian oil cap, it is available on page number 15.
और ये रिलेटेड है पेपर 3 इकोनॉमी सेक्शन से. इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो अबाउट ओपेक प्लस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ दिस ग्रुपिंग एंड रीसेंट डेवलपमेंट्स. तो फ्रेंड्स इसको भी हमारी वेबसाइट पे बहुत अच्छे से कवर किया गया है, लिंक अवेलेबल करा दिया गया है डिस्क्रिप्शन में. अगर हम ओवरव्यू देखें तो ओपेक एंड इट्स एलाइज इंक्लूडिंग रशिया सेड दैट दे वुड लीव देयर कोटास फॉर ऑयल प्रोडक्शन अनचेंज्ड, राइट. तो दोस्तों आज के लिए इतना ही. थैंक्स फॉर लिसनिंग. फॉर रेगुलर अपडेट्स यू कैन फॉलो अस ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स.